नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों के अटैचमेंट बने आफत आदेश के बाद भी नहीं जा रहे मूल तैनाती स्थल। प्रदेश में अधिकारी और कर्मचारी तबादले को रोकने के लिए हमेशा तोड़ निकालते दिखाई देते रहे हैं, जो तबादला नीति को मुंह चढ़ाती नजर आती है। वहीं उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में अधिकारियों के आदेश का अनुपालन करने में किस कदर लापरवाही की जाती है, इस बात का सबूत 2022 का वह आदेश है जिसमें विभाग के सभी अटैचमेंट खत्म करने के आदेश दिए गए थे। हैरत की बात यह है कि करीब 7 महीने पहले हुए आदेश का अनुपालन अभी तक नहीं हो पाया और शिक्षा मंत्री को इसके लिए एक्शन लेना पड़ रहा है। काठगोदाम में 10 लाख की स्मैक के साथ तस्कर आरिफ गिरफ्तार। एक हफ्ते में पकड़े नशे के 3 रैकेट। काठगोदाम पुलिस ने स्मैक तस्करी का खुलासा करते हुए धमसी नगर के रहने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 102 ग्राम स्मैक बरामद की है। हरिद्वार में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर रोड पर पलटी, चालक घायल। बीती देर रात सेक्टर 1 भील के पास शिवालिक नगर की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर से टकराई और उसके बाद पलट गई। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को गंभीर अवस्था में अस्पताल भेजा गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। गैस एंड ग्रीष्मकालीन राजधानी को लेकर करण महारा ने धामी सरकार पर निशाना साधा, कही ये बात। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने ग्रीष्मकालीन राजधानी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार वाकई गैस एंड ग्रीष्मकालीन राजधानी को संजीदा है तो वहां कामकाज शुरू करना चाहिए, जिससे सही मायने में गैस एंड ग्रीष्मकालीन राजधानी कहलाएगी। उन्होंने आगे कहा कि त्रिवेंद्र सरकार के गैस एंड को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के बाद से वहां आज तक कार्य नहीं हुआ है। हरिद्वार में अवैध पिस्टल के साथ ITI का छात्र गिरफ्तार, उगले अहम राज। धर्मनगर हरिद्वार में पुलिस अपराधियों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। इसी कड़ी में मध्य हरिद्वार क्षेत्र में ज्वालापुर पुलिस ने ITI के छात्र को अवैध पिस्टल के साथ दबोच लिया। वहीं पुलिस छात्र को अवैध पिस्टल दिलाने वाले स्थानीय कांग्रेस नेता की तलाश में जुट गई है। पुलिस का दावा है कि जल्दी कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि पुलिस या पूछताछ में आरोपी छात्र ने किसी वारदात को अंजाम देने के मकसद की बात से इनकार किया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। बनबासा पुलिस ने तेल चोर गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार, कई अपराधों में हैं शामिल। चंपावत जनपद की बनबासा थाना पुलिस ने एक बार फिर से तेल चोर गैंग के 2 सदस्यों को यूपी से धर दबोचा है। पुलिस टीम ने नवाबगंज जहानाबाद सितारागंज रोड जिला बरेली से चोरी में संलिप्त अहमद निवासी जिला पीलीभीत व नदीम निवासी जिला बरेली को मय डीजल के गिरफ्तार किया है, जबकि चोरी की इस वारदात में शामिल एक अन्य अभियुक्त आकाश निवासी नवाबगंज जिला बरेली अभी भी फरार है। पूर्व में आरोपी चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है, जो पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे। आरोपियों पर हत्या सहित तमाम आपराधिक मामले दर्ज हैं। हरिद्वार में अवैध रूप से शराब परोसने वाले होटल ढाबों पर एक्शन, 3 संचालकों का किया चालान। कनकल पुलिस ने हरिद्वार लक्सर मार्ग पर बने रेस्टोरेंट और ढाबों में अभियान चलाकर शुक्रवार देर शाम शराब पी रहे लोगों को खदेड़ दिया। साथ ही शराब परोसने वाले संचालकों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कनकल पुलिस ने 3 रेस्टोरेंट संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको हिरासत में लेकर चालान कर दिया। पुलिस के द्वारा की गई इस कार्रवाई से शराब पीने वालों से लेकर रेस्टोरेंट संचालकों में अफरा तफरी मची रही। सरकार के दावों की खुली पोल, कुंभ में बनी सड़क धंसने से 2 वाहन फंसे। कोतवाली क्षेत्र में बीते देर रात अचानक हाईवे के बगल से गुजरने वाले सर्विस लेन की सड़क धस जाने के कारण एक एम्बुलेंस सहित 2 वाहन फंस गए। गनीमत ये रही कि वाहनों की स्पीड तेज नहीं थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। फंसे वाहनों को रात में ही क्रेन की मदद से निकाला गया। फिलहाल इस मार्ग को मरम्मत होने तक बंद कर दिया गया है। ऋषिकेश मेयर ने अतिक्रमणकारियों को दिया 2 दिन का समय, लोगों की समस्या के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। ऋषिकेश के शिवाजी नगर में स्थानीय लोगों को अतिक्रमण, खराब सड़क, टूटी हुई पाइपलाइन और जलभराव जैसी समस्या से आए दिन रूबरू होना पड़ता है। इन समस्याओं के निराकरण के लिए मेयर अनीता मंगवे ने अधिकारियों के साथ क्षेत्र का निरीक्षण किया और लोगों द्वारा बताई गई समस्याओं के जल्द निवारण का आश्वासन दिया। साथ ही मेयर ने 2 दिन में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। बागेश्वर जोशी गांव सामूहिक आत्मदाह मामला, कैबिनेट मंत्री चंदन नामदास ने DM और SSP को दिए जांच के आदेश। बागेश्वर के जोशी गांव में महिला द्वारा अपने बच्चों के साथ किए गए आत्मदाह के मामले में कैबिनेट मंत्री चंदन नामदास ने DM और SSP को जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही मामले में महिला के पति गोपाल राम को तलाश रही है, ताकि मामले की तह तक जाया जा सके। रुद्रपुर के राम मनोहर लोहिया मार्केट पर चले NHAI के बुलडोजर, तमाम बड़े नेता नजर बंद, हिरासत में MLA बेहड़ का बेटा। उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में अब तक का सबसे बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। NHAI के 4 बुलडोजर हाईवे किनारे राम मनोहर मार्केट की दुकानों को गिरा रहे हैं। जिले के तमाम बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ के बेटे गौरव बेहड़ को हिरासत में लिया गया, जिसे देर शाम पुलिस ने छोड़ दिया है। कई वजहों से चर्चाओं में रहा गैरसैंण का बजट सत्र, जानिए 4 दिनों में क्या कुछ हुआ।
गैरसैंण के भराणी सैण में आयोजित बजट सत्र समाप्त हो गया। इस बार बजट सत्र में न केवल कई तरह के महत्वपूर्ण फैसले लिए गए बल्कि कई वजहों से सत्र चर्चा में रहा। सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होते ही कांग्रेस ने अपमान का आरोप लगा दिया, फिर गन्ना किसानों को भुगतान समेत विशेषाधिकार हनन मामले पर विपक्ष ने हंगामा किया। इतना ही नहीं, सदन में कागज भी फेंके गए जिस पर विपक्ष के सदस्यों को निलंबित करना पड़ा। इसके अलावा कई ऐसे घटनाक्रम हुए जिससे गैरसैण का बजट सत्र सुर्खियों में रहा। पहले फर्जी आईडी से की कमेंट बाजी, फिर दे जान से मारने की धमकी, लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर बजरंग दल नेता को मिला डेथ थ्रेट। बजरंग दल के प्रखंड गौरक्षा प्रमुख को फेसबुक और फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। फोन करने वाला खुद को पंजाब के पटियाला जेल में बंद और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा होने की बात कह रहा है। यही नहीं, उसने अपने फेसबुक अकाउंट के कवर पर गौरक्षा प्रमुख की फोटो भी लगाई है जिस पर लाल रंग से क्रॉस लगाकर उसे मारने की चेतावनी दी है। मामले में पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की है। सीमांत मलारी गांव पहुंचे डीजीपी अशोक कुमार, भारत के अंतिम पुलिस चौकी का किया निरीक्षण। डीजीपी अशोक कुमार ने कल सीमांत मलारी पुलिस का चौकी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों से स्थानीय लोगों से समन्वय स्थापित करने की बात कही। साथ ही उन्होंने लोगों की उम्मीद के लिए भी पुलिस को निर्देशित किया। इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार ने मलारी पुलिस चौकी में नियमित रूप से पुलिस बल तैनात करने की बात कही। AEJEE पेपर लीक मामले में पुलिस ने कसा शिकंजा, 6 आरोपियों पर लगाया गैंगस्टर एक्ट। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में धांधली पर पुलिस लगातार अपना शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में SO कनकल नरेश राठौड़ ने JEE पेपर लीक मामले में 6 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें UKPSC के निलंबित अनुभाग अधिकारी संजीव कुमार, BJP नेता नितिन चौहान समेत अन्य आरोपी शामिल है। सपरिवार जौनसार बाबर के हनोल मंदिर पहुंचे ग्रेट खली महासु देवता के किए दर्शन। दलीप सिंह राणा द ग्रेट खली अपने परिवार के साथ जौनसार बाबर व हिमाचल के आराध्य देव महासु देवता मंदिर हनोल पहुंचे। खली के साथ उनके पिता, 6 भाई और उनकी बेटी हनोल मंदिर पहुंची। खली ने सपरिवार मंदिर में माथा टेक कर सुख समृद्धि की कामना की। CM धाम ने G20 को लेकर की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को समय से पहले व्यवस्था करने के दिए निर्देश। CM पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में G20 बैठक की व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान CM धामी ने रामनगर में होने वाली G20 की पहली बैठक को लेकर सभी व्यवस्थाओं को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। CM ने अधिकारियों से कहा कि G20 आयोजन की व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहे, यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। गुमानी वाला में कूड़ा निस्तारण प्लांट का विरोध, ग्रामीणों ने जाम की सड़क, पुलिस प्रशासन के छूटे पसीने। ऋषिकेश के गुमानी वाला में कूड़ा निस्तारण प्लांट बनाए जाने का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। आज कूड़ा निस्तारण प्लांट के खिलाफ लोगों ने सड़क जाम कर दिया। पुलिस और प्रशासन ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि हम आबादी क्षेत्र में कचरा निस्तारण प्लांट नहीं बनने देंगे। बॉबी पवन ने CM धामी का जताया आभार, लाठीचार्ज मामले में दर्ज मुकदमों को बताया फर्जी। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। दरअसल उन्होंने CM धामी के लाठीचार्ज पर दुर्भाग्यपूर्ण बयान और बेरोजगारों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की घोषणा का समर्थन किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि उनके ऊपर लगाए गए सभी मुकदमे फर्जी थे। वहीं उन्होंने गांधी पार्क से रात को जबरन बेरोजगारों को उठाने के मामले की जांच करने की मांग भी की। गंगा नहर पटरी के सभी गेटों पर पुलिस ने जड़े ताले, अब सुकून से वॉक कर सकेंगे शहरवासी। अब सुबह शाम शहरवासी सुकून से गंगा नहर पटरी पर वॉक कर सकेंगे। SO कनकल के गंगा नहर पटरी के गेट पर ताले जड़ दिए गए हैं, जिसके बाद अब सिंह द्वार डाम कोठी गंगा नहर पटरी पर अब दोपहिया चौपहिया वाहन नहीं दौड़ सकेंगे, जिसका सीधा फायदा गंगा नहर पटरी पर वॉक करने वालों को मिलेगा। कनकल पुलिस के इस प्रयास को वरिष्ठ नागरिक संगठन ने सराहा है। अग्निशमन विभाग का हाल, उत्तराखंड में ऐसे बुझेगी आग, 50% कर्मचारियों के भरोसे अग्निशमन विभाग, वाहनों की हालत भी खस्ता। उत्तराखंड में अग्निशमन विभागों में कर्मियों का टोटा है। इसके अलावा विभाग वाहनों की कमी से भी जूझ रहा है, इसकी तस्दीक आंकड़े दे रहे हैं। अग्निशमन विभाग सिर्फ 50% कर्मचारियों के साथ ही काम कर रहा है, जिसकी वजह से आग की घटनाओं में काबू पाने में देरी हो जाती है। ऐसे में जानमाल का भी काफी नुकसान हो जाता है। अल्मोड़ा में पिरुल से कोयला बनाना सीख रही महिलाएं, सेनावर तलाड़ गांव की महिलाओं को पिरुल से कोयला बनाना शिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में जिसमें 31 महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। प्रशिक्षण के बाद यह महिलाएं कोयला बनाने का कार्य शुरू करेंगी। यह प्रशिक्षण 19 मार्च तक चलेगा। धामी सरकार का बड़ा फैसला, देहरादून पथराव के बाद छात्रों पर दर्ज हुए मुकदमे होंगे वापस। विधानसभा सत्र के चौथे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है। CM पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि पिछले दिनों देहरादून में पथराव के बाद युवाओं पर लाठीचार्ज हुए, उसमें कुछ छात्रों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। ऐसे में जिन छात्रों को आगामी परीक्षा में भाग लेना है उन पर दर्ज मुकदमे को सरकार वापस लेगी। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।